हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपा अग्रवाल और आज हम बनाने जा रहे हैं इंदौर का फेमस स्ट्रीट फूड भुट्टे का किस। भुट्टे का किस बहुत ही टेस्टी, डिफरेंट और हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही आसानी से बन जाती है, तो आप इसे पोहा, उपमा की तरह एवरीडे ब्रेकफास्ट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो बनाते हैं भुट्टे का किस आपके फेवरेट चैनल दीपास डेलिकेसीज पर। भुट्टो का किस बनाने के लिए हमें चाहिए भुट्टे, मतलब कॉर्न। जनरली भुट्टो का किस बनाने के लिए देसी कॉर्न यूज किए जाते हैं, जो कि फीके होते हैं, बहुत स्वीट नहीं होते हैं स्वीट कॉर्न की तरह। लेकिन आजकल देसी भुट्टे मार्केट में बहुत ही कम समय के लिए या सिर्फ सीजन में अवेलेबल होते हैं, इसलिए हम स्वीट कॉर्न भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के स्वीट कॉर्न ले लिए है, क्योंकि सादे भुट्टे मार्केट में अवेलेबल नहीं थे। इसके अलावा हमें चाहिए थोड़ा सा कड़ी पत्ता, बारीक कटी हरी मिर्च, राई और जीरा, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, हींग, नमक, नींबू, थोड़ा सा अदरक और छौंकने के लिए तेल। तो सबसे पहले हम इन भुट्टों को घीस लेंगे, मतलब इसे ग्रीट कर लेंगे। उसके लिए हम चाहे तो भुट्टों को घीसने के लिए, ग्रीट करने के लिए ग्रीटर का भी यूज कर सकते हैं। ये जो मोटी वाली साइड होती है इससे हमें घीसना है, या फिर आप इस भुट्टे के दाने निकालकर इन्हें मिक्सी में थोड़ा सा कोर्स पीस सकते हैं। इस तरह से इसके दाने बहुत आसानी से निकल जाते हैं। या फिर आप इन भुट्टों को इस तरह से चक्कू से काट कर भी इसके दाने निकाल सकते हैं और फिर इसे मिक्सी में 2-3 पल्स के लिए कोर्स ग्राइंड कर सकते हैं। मेरे लिए यही वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा सूटेबल है, इस तरह से सबसे कम समय में भुट्टे के दाने निकल जाते हैं। 3 लोगों के लिए बना रही हूँ मैं आज भुट्टे का किस, तो मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के स्वीट कॉर्न लिए हैं। तो इस तरह से हम सारे भुट्टों के दाने निकाल कर तैयार कर लेंगे। सारे भुट्टों के दाने निकाल कर तैयार है, अब हम इसे इस मिक्सर पॉट में डाल देंगे और अब इन्हें हम दरदरा पीस लेंगे। बहुत ज्यादा बारीक पेस्ट हमें नहीं बनाना है, नहीं तो भुट्टे के दाने बहुत पानी छोड़ देंगे। बस 2 या 3 पल्स हमें मिक्सर में घुमाना है। तो हमारे भुट्टों के दाने पीस कर तैयार है, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा बारीक पेस्ट नहीं है, बस कोर्सली मैंने इसे ग्राइंड किया है, बस दरदरा पीस लिया है। दोस्तों, जब भुट्टे के किस के लिए आप भुट्टे ले रहे हो तो ध्यान रहे कि वो बहुत ज्यादा टेंडर, मतलब बहुत कॉले नहीं होने चाहिए और बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होने चाहिए। बहुत ज्यादा टेंडर हुए तो बहुत पानी बन जाएगा, बहुत सारा दूध इसमें से निकल जाएगा, और बहुत ड्राई हुए तो हमारा भुट्टे का किस अच्छा नहीं बनेगा, बहुत सूखा सूखा हो जाएगा। अब इस भुट्टे के किस को हम इस बोल में खाली कर देंगे। अब हम एक कढ़ाई में या पैन में 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लेंगे। बहुत ज़्यादा तेल इस रेसिपी में नहीं डलता है, पोहा या उपमा बनाने में हम जितना तेल यूज़ करते हैं बस उतना ही हमें चाहिए। और इसके साथ में हम डाल देंगे 1 चम्मच बटर। आप इस रेसिपी को घी, बटर या ऑयल किसी में भी बना सकते हैं। जब बटर पूरी तरह से मेल्ट हो जाए और ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए, तब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच राई जीरा, दैट इज मस्टर्ड एंड क्यूमिन सीड्स, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, या मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, 4-5 करी लीव्स, मतलब कड़ी पत्ता, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 पिंच हींग या 1/2 टीस्पून हींग हम इसमें डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इन्हें हम बस हल्का सा मिक्स करेंगे। ध्यान रहे हमारे मसाले इसमें जलने नहीं चाहिए। और इसमें हम डाल देंगे ये हमारा बनाया हुआ भुट्टों का किस। आप देख सकते हैं ऑलरेडी इसमें कॉर्न मिल्क बहुत सारा है, बहुत सारा दूध इसने छोड़ दिया है, तो अब हम इसमें अलग से दूध नहीं डालेंगे। जनरली भुट्टे के किस में थोड़ा सा दूध डाला जाता है उसे मॉइस्ट और सॉफ्ट करने के लिए, लेकिन हमारे भुट्टों में ऑलरेडी बहुत सारा पानी है तो हमें एडिशनल दूध इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। भुट्टे का किस डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अदरक बारीक किस कर। ये देखिए, बस इतना टुकड़ा मैं डालूंगी इसमें किस कर। थोड़ा सा अदरक डालने से इसका स्वाद ही बदल जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है भुट्टे का किस। इस रेसिपी में प्याज और लहसुन नहीं डलता है, तो आप इसे जैन रेसिपीज में भी बना सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 टीस्पून नमक, या नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। थोड़े से स्वीट है भुट्टे, तो 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाल रही हूँ मैं। और अगर आप इस भुट्टे के किस को सादे भुट्टों से बना रही है तो हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच
चीनी। और अब हमें इस भुट्टे के खीस को थोड़ा सा सूखा उपमा जैसी कंसिस्टेंसी होने तक बीच बीच में चलाते हुए कुक करना है। इसे ढककर पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से चलाते हुए हम इसे थोड़ा सा ड्राई होने तक सेक लेंगे। ध्यान रहे हमें इसे फ्रिक्वेंटली चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे चिपक जाएगा और जलने लगेगा और फिर हार्ड हो जाएगा। आप चाहे तो इसे 5-6 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखकर भी ड्राई कर सकते हैं, उसमें समय कम लगेगा। और अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो कढ़ाई में भी 7-8 मिनट में ये ड्राई होने लगेगा। तो दोस्तों, मुझे इस भुट्टे के खीस को सेकते हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं कि ये पहले से काफ़ी ड्राई हो चुका है, ऑलमोस्ट उपमा जैसी कंसिस्टेंसी इसकी हो चुकी है। अब हम लास्ट में इस पर थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब इसे एक बोल में खाली कर देंगे। और अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसे सर्व कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये भुट्टे का खीस इन दोनों में डाल देंगे, जैसे कि स्ट्रीट फूड अक्सर सर्व किया जाता है। इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे, थोड़ा सा किसा हुआ गीला नारियल इस पर डाल देंगे। इसे गीला नारियल डालकर ही सर्व किया जाता है। आप चाहे तो इस पर ऊपर से थोड़ा सा जीरावन भी स्प्रिंकल कर सकते हैं या चाहे तो थोड़ा सा चाट मसाला डाल सकते हैं। और हमारा भुट्टे का कीस खाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसे सुबह के नाश्ते में या शाम की चाय के साथ में भी बना सकते हैं। सभी को बहुत पसंद आती है और काफ़ी फिलिंग रेसिपी है। इसे खाने के बाद काफ़ी समय के लिए हमें भूख नहीं लगती है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, इंदौर में बहुत ही फेमस है और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो दोस्तों, ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।